तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी पावर विंडो कैसे वर्किंग करती है गाड़ी की, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से देखिए ये वाला स्विच जो है इसको हम दबा रहे हैं इग्निशन ऑन करके, तो ये काम कर रहा है, ठीक है। एंड पीछे वाला भी काम करेगा, ठीक है, और ये वाला भी काम कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। बट इसमें एक इशू ये आ गया, जो मेन पावर विंडो है ऑटो वाला, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, ठीक है। ये देखिए मैं इसको दबा भी रहा हूँ, ऑटो पे ऊपर नीचे दोनों तरफ कर रहा हूँ, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तो क्या इशू आ गया है, बट वो इस इशू को भी हम रिसोल्व करेंगे। एंड इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है कि आपको पता ही है, उस वीडियो में मैंने बताया है, आपने देखी होगी। तो आप गाड़ी स्टार्ट करके कहीं लेके जाते हैं, चलाई वलाई खड़ी कर दी, फिर उसके बाद भी जब तक आप की वापस नहीं निकालोगे, तब तक उसके 3 मिनट तक, गाड़ी बंद करने के 3 मिनट बाद तक आप चारों डोर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब चारों पावर विंडो ऊपर नीचे कर सकते हैं गाड़ी बंद करने के बाद भी, इग्निशन ऑफ करने के बाद भी। तो वो हो गया मैटर अलग, उसकी वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, आप देख लेना फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत सारी वीडियो हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने हर एक गाड़ी से रिलेटेड, तो आप प्लेलिस्ट में जाके अपनी अपनी गाड़ियों से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम इसको ठीक करेंगे, एंड ये क्यों काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए मैं इसको दबा रहा हूँ पूरा ऑटो स्विच को, ये सही से काम नहीं, मतलब काम ही नहीं कर रहा। तो अभी इसको सीधा सीधा क्या करेंगे हम, इसका जो फ्यूज़ बॉक्स होता है, तो बेसिक चीज़ें क्या होती है, मतलब फ्यूज़ बॉक्स में जाके हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले फ्यूज़ चेक कर लेना है, फ्यूज़ की क्या कंडीशन है या नहीं है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, यहाँ जो इसकी पावर विंडो स्विच है, इसके कनेक्टर पे प्रॉपर सप्लाई है कि नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा काम है, पेचीदा है। यहाँ से इसका स्क्रू खोलना पड़ेगा, है ना, खोलने के बाद ये बाहर निकलेगा एंड उसमें टाइम लग जाएगा मतलब। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सबसे पहले फ्यूज़ चेक करेंगे, फ्यूज़ चेक करने के बाद चेक करते हैं उसकी क्या कंडीशन है वो। तो फ्यूज़ बॉक्स मतलब अंदर का जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ बॉक्स है, जो इस तरह फ्यूज़ बॉक्स होता है, वो अंदर के जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे अपना क्लस्टर हो गया, स्टीयरिंग के ऊपर ये स्विचेस हैं, ये अपना ये एसी से रिलेटेड हो गया, स्टीरियो हो गया, रूफ लाइट हो गया, है ना, इन सब के जो फ्यूज़ मिलेंगे आपको, अंदर के जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं मैक्सिमम, उनके फ्यूज़ और रिले आपको डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर इस तरफ दिखाई देने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, फ्यूज़ बॉक्स की लोकेशन यहाँ पर है, देखिए, ठीक है। एंड आपको मैं दिखा देता हूँ, मैनुअल बुक जो होती है अपनी गाड़ी की, उसमें आप चेक करना, नॉन टर्बो गाड़ी है ये, ठीक है, नॉन टर्बो मैग्नाइट, तो इसमें 25 एम्पियर का फ्यूज़ होता है वाइट कलर का, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए पावर विंडो स्विच जो है ना, मतलब पावर विंडो का जो फ्यूज़ होता है, एक जो ये 30 एम्पियर का दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, एक तो ये होता है मेन का, फ्रंट की दोनों पावर विंडो अगर काम ना करें, ठीक है, तो उसमें ये फ्यूज़ आप चेक कर लेना। एंड दूसरा, इसके नीचे देखिए जगह बिल्कुल खाली है, यहाँ पर फ्यूज़ है ही नहीं, तो ये उस ऑटो वाले फ्यूज़ का, मतलब ऑटो वाले जो ये अपना ऑटो स्विच है ना ये, ठीक है, ये इसका फ्यूज़ यहाँ पर आपको 25 एम्पियर का देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो फ्यूज़ लगा रहता है 30 एम्पियर के फ्यूज़ के नीचे, अभी इसमें वो फ्यूज़ है नहीं, फ्यूज़ ले आता हूँ एंड उसको लगा देते हैं, ठीक है। एंड आपको वैसे भी चेक कर लेना है बेसिक ही। तो दोस्तों ये 25 एम्पियर का फ्यूज़ होता है, ठीक है, ये देखिए 25। एंड अभी इसको मैं हम लगा देते हैं, फिर उसके बाद चेक करेंगे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। आमतौर पर होता क्या है, आप सभी के लिए मैं फोल्ट डालता हूँ, डालने के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए ही मैं एक्चुअली ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी इस फ्यूज़ को मैं लगा देता हूँ ज़रा वहीं पे, ठीक है ना, एंड फिर उसके बाद चेक करते हैं चला के इसको। एंड अभी मैं इसको लगा देता हूँ फ्यूज़ को डायरेक्ट वहीं पर। 25 एम्पियर का है तो 25 एम्पियर ही फ्यूज़ लगेगा फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ना तो 20 एम्पियर, ना 10 एम्पियर, ना 5 एम्पियर या ना 30 एम्पियर, जितना है 25 एम्पियर का फ्यूज़ है तो 25 का ही वहाँ पर लगेगा। तो मैंने 25 एम्पियर का फ्यूज़ लगा दिया है, एंड अभी चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी यहीं से डायरेक्ट स्विच से चेक कर लेते हैं, तो अभी इसको करते हैं ट्राई। ये देखिए मैं दबा रहा हूँ, दबा दिया, ये ऑटो का जो काम है, मतलब विंडो है, ये काम करने लग गई है, ये देखिए, ठीक है। हमारे अदर जो और जो डोर्स थे वो काम कर रहे थे प्रॉपर, वो फ्यूज़ निकला हुआ था, एक्चुअली मैंने निकाला हुआ था आपको बताने के लिए। एंड उसके ऊपर जो 30 एम्पियर का फ्यूज़ था,
ये वाला, ये भी पावर विंडो से रिलेटेड ही होता है। अपनी मैनुअल बुक में अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे जैसे हेडलाइट, हाई बीम, लो बीम एंड BCM, पावर विंडो, फैन और बैक लाइट, बैक स्विच, मतलब सार हर चीज़ों के अगर आप चाहेंगे तो अपनी बुक में देख के अपने मैक्सिमम फॉल्ट आप ख़त्म कर सकते हो अपनी गाड़ी के। आपको डीलर पे या किसी टेक्नीशियन के पास नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। पावर विंडो अगर काम ना करे आपकी, मेन पावर विंडो ऑटो वाला, ठीक है, तो आपको चेक कर लेना है ये वाला फ्यूज़, ठीक है। एंड अगर पूरा प्रॉपर पावर विंडो काम ना करे तो ये फ्यूज़ 30 एम्पियर का और 25 एम्पियर का चेक करना, एंड इसकी रिले भी होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।